नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बायस्कोप। इस वक्त आपके साथ मैं हूं शांभवी सिंह, रुख करते हैं खबरों का। झारखंड में भाषा को लेकर जारी विवाद पर सत्ताधारी पार्टी झामुमो के केंद्र प्रवक्ता मनोज पांडे ने बयान दिया है। न्यूज बायस्कोप से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार सभी वर्गों को साथ में लेकर काम करना चाहती है। भोजपुरी, मगही और अंगिका को लेकर शिक्षा मंत्री के पत्र पर मनोज पांडे ने कहा कि सरकार परिस्थितिवश निर्णय लेगी। आपको बता दें कि पिछले दिनों शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से भोजपुरी, मगही और अंगिका को हटाने की मांग की थी। देखिए, शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट अपना स्टैंड क्लियर किया है। मोर और लेस पार्टी का स्टैंड भी उसी के अनुसार है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों से जो फीडबैक आ रहा था, और सभी जगह हमारे लोग हैं, हमारे विधायक हैं, और इस बार मैंडेट जो मिला, जनादेश मिला, झारखंड के सभी कोने से मिला, तो निश्चित तौर पर उन बुनियादी बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ जिलों में जो जिला स्तर पर भाषा का जो चयन किया गया उसमें मगही और भोजपुरी को रखा गया। लेकिन पूरी तरह से ये सरकार जन सरोकार से चलने वाली सरकार है। जहां भी वैसा महसूस होगा कि ऐसे कुछ निर्णय लेने पड़ सकते हैं सरकार को, जिससे कि यहाँ के लोगों, खास करके यहाँ के आदिवासी मूलवासी झारखंडवासी को नौकरियों में उचित अवसर मिल पाएगा, तो सरकार कोई भी निर्णय ले सकती है।